नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल से ही लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। भाजपा के 5 साल का कार्यकाल कैथल में जानबूझकर रोक दी गई विकास कार्यों की गति, ताकि रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम खराब हो जाए। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कैथल के विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला के भाई सुदीप सुरजेवाला ने कैथल में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में और जिले में एक बात पहले से फैलाई जा रही थी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके लिए नए नए चेहरों को मैदान में उतारा गया, परंतु ये कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति में सभी को आने का हक है, लेकिन आपको मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए 2019 में विधानसभा चुनाव के लिए 21 जुलाई को कैथल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। सुदीप सुरजेवाला से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि कैथल में बहुत बुरे हालात हैं, सड़कों पर पानी भरा पड़ा रहता है, सीवरेज बंद है और आपके भाई यहाँ के विधायक हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि विधायक की यह सरकार चलने नहीं देती, वह जानबूझकर यहाँ के विकास कार्यों की गति रोक रही है ताकि लोग सुरजेवाला के खिलाफ हो जाएं, लेकिन जनता सब समझती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जब से जींद उपचुनाव में गए हैं, तब से कैथल विधानसभा की गणित उल्टा हो चुका है, जिसकी जीतने की उम्मीद रणदीप सिंह सुरजेवाला की कैथल से पहले ही दिखाई देती थी, लेकिन अब शायद उतनी नहीं दिखाई दे रही। और कुछ राजनीतिक कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि कैथल विधानसभा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह एक हॉट सीट मानी जाएगी और टक्कर और मुकाबले खूब रहेंगे। यहाँ पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव से यहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला विधायक हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ से विधानसभा उम्मीदवार आने के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि कैथल में मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और नई नई सौगात कैथल वासियों को दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर आने वाली विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का गणित इसलिए भी यहाँ कम पड़ता दिखाई दे रहा है क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय स्तर में चले गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कैथल वासियों के बीच वे कम ही आते हैं। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 21 तारीख को पवन वाटिका में सुबह 10 बजे सारे हल्के के वर्कर साथियों की मीटिंग रखी है, उनसे सलाह मशवरा करके किस प्रकार से अपने चुनाव की तैयारी करनी है, किस प्रकार से अपना चुनाव शुरू करना है, उस बारे में विचार विमर्श करके अपनी चुनाव की नई लड़ाई शुरू करेंगे। आप सभी साथियों को इसलिए तकलीफ दी, आजकल जैसा कि राजनीतिक तौर पर आप मेरे से शायद ज़्यादा जानते हैं, अपने शहर में अपने हल्के में एक अनार 100 बीमार वाला काम हुआ है। नए नए नेता, नए नए साथी जो टिकटार्थी है, सबका हक होता है राजनीतिक तौर पे होना भी चाहिए, आदमी को कोशिश भी करनी चाहिए, अपनी टिकट का ज़्यादा करना चाहिए, दूसरे की टिकट की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। एक अजीब सा दुष्प्रचार शुरू कर दिया, भाई रणदीप तो यहाँ से चुनाव नहीं करते। कैथल रणदीप की पिछले 2 चुनावों से कर्मभूमि रही है, यहाँ साथियों का बहुत प्रेम मिला है, हर बार पहली बार से ज़्यादा बढ़ के लोगों ने मार्जिन से अपनी मेहनत से जिताया है। अपने कार्यकाल में आप सभी साथी जानते हैं, हरियाणा में अगर हम गर्व से ये बात कह सकते हैं कि 90 हलकों में अगर सबसे ज़्यादा विकास कहीं गिना जाए तो कैथल का पहले दूसरे पे ही नंबर आता है। कोई राजनीतिक आदमी जीवन में अपने प्यार से प्रेम से लोगों से कभी दूर नहीं जाएगा, कैथल से ही वो चुनाव लड़ेंगे। मैं विशेष तौर पे आपको इसीलिए बताया कि जो दुष्प्रचार है उसका सही जवाब आप दे सकते हैं। उनकी कर्मभूमि कैथल है और कैथल ही रहेगा, जब तक वो राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ेंगे वो कैथल से ही लड़ेंगे और कहीं इस तरह की बात सोचने का कोई औचित्य भी नहीं बनता। तो मैं कि 21 तारीख को सुबह 10 बजे पवन वाटिका में आप सभी साथी आए, उनसे इंटरव्यू भी करें, विचार विमर्श भी करें और आगे की रणनीति का खुलासा या कैसे हमने आगे काम करना है इस बारे में वो आपको जाना था। पचहत्तर पार का उनको 75 MLA के पार करनी है, ये पेट्रोल को डीजल को 75 पार करने का लक्ष्य है। कई बार आदमी का अच्छा समय होता है तो आदमी और कॉन्फिडेंट हो जाता है,
आजकल उनके साथ वही हुआ है जो एक बार कांग्रेस के साथ 2009 में हुआ था। पार्कों की समस्या में पार्कों में काफी जो समस्याएं हैं, काफी दौरे भी किए हैं तो काफी जो दिक्कतें हैं सामने आई हैं साफ सफाई को लेके भी। जैसा आप जानते हो जब अपनी सरकार थी, मैं तो कहूँगा जब कैथल के लोगों की सरकार थी, उस समय चाहे लाइटों की व्यवस्था हो, पार्कों की हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की, आज आप पूरे हरियाणा पे अगर नज़र घुमा के देखें हर रोज एक नया क्राइम हो, हर रोज एक नया क्राइम हो रहा है। आप फरीदाबाद को उठाएं, करनाल डॉक्टर साहब के साथ हुआ, या कल फिर एक हुआ है गोहाना में हुआ है, शायद आज आप अखबार के माध्यम से याद पता लगा। धीरे धीरे पिछले कुछ महीनों से स्टेट में एक तो क्राइम में बहुत ज़्यादा, एक महिलाओं के साथ और एक अपराधी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई। रही शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में, शहर को ग्रांट मिलने के बारे में, शहर को कोई नई स्कीम मिलने के बारे में, पिछले पाँच पौने पाँच दो महीने बाकी है, चार साल दस महीने में हमारे शहर में कोई ऐसी एक चीज़ नहीं आई। मुख्यमंत्री जी बीसियों बार आए, कभी कुछ नहीं देखे। अगर आप प्रोग्राम था उसके बारे में भी देखें, सारे तीनों विधानसभा हलकों में कुछ ना कुछ दिया, लेकिन हमारे कैथल में केवल एक सजुमा माइनर का के 40 लाख रुपये उसकी साफ सफाई और उसकी रख रखाव या उसकी रिपेयर के अलावा एक सिंगल चीज़ ऐसी नहीं है जो दी गई। आप कोई भी इस शहर का, हम गर्व से ये सारे साथी कह सकते हैं, इस शहर में कहीं भी कोई पत्थर लगा तो आप देख सकते हैं उस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम मिलेगा। कोई भी ऐसा अधारा नहीं है जो पिछले 5 साल में कैथल को दिया गया हो। कैथल को राजनीति के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है, आते हुए जाते हुए कोई भी प्रोग्राम हो कैथल में तो जरूर किया जाता है, सिर्फ इस लक्ष्य को लेके कि रणदीप का मुकाबला करना। इसके अलावा कैथल शहर को क्या दिया गया, आप एक नई चीज़ बता दें। सुदीप जी, सरकार को अब क्या किया जा रहा है, आप सारे साथी इस बात को जानते हैं, सिर्फ इसी बात की तकलीफ है कि नगर परिषद का प्रधान रणदीप सुरजेवाला के सहयोग से बना हुआ, हर रोज कोई ना कोई इंक्वायरी, हर रोज कोई ना कोई धरना प्रदर्शन, हर रोज कोई ना कोई इटाना, हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना है। एक भी जो फाइल जाती है डीसी ऑफिस से उसको चंडीगढ़ पहुंचने में 3-3 महीने लगते हैं। आपने अपना समय भी देखा होगा, बाय हैंड फाइलें जाती थी, बाय हैंड पर काम होता था। सरकार की मंशा ये नहीं है कि कैथल में तरक्की की जाए, सरकार की मंशा ये है कि कैथल में कैसे सिस्टम को खराब किया जाए ताकि रणदीप को इस बात का राजनीतिक तौर पर नुकसान हो। जहाँ ज़्यादा बर्तन हो, बड़ा घर हो, वहाँ विचारों का मतभेद रहता है। हम और हमारे सारे साथियों का लक्ष्य केवल कैथल तक सीमित है, इस बात का ज़्यादा उचित जवाब श्री रणदीप सुरजेवाला जी आपको 21 तारीख को ज़्यादा बेहतर देगा।